Assalamu alaikum, dear students, and welcome to my English campus. You all guys know that this is the sequel of text explanation from unit number one, Kaid on 11th August 1947. So, I am going to explain from paragraph number 5 to 10 here. Let's commence. Kaidi Azam Mohammed Jinnah goes on to say The second thing that occurs to me is this one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption. jo zahan aati hai. वो ये है जो कि इंडिया में मौजूद इस वक्त जो है सबसे बड़ी आ, जो है कर्स है कर्स मींस लानत बद या फिर फिटकार तो जो है ये एक बहुत बुरी चीज़ एक फिटकार है एक लानत है जो कि जिससे इंडिया जो है सफ़र कर रहा है उससे गुजर रहा है उसको भुगत रहा है उसका सामना कर कर रहा है वो आ, वो है ब्राइबरी एंड करप्शन ब्राइबरी रिश्वत को कहा जाता है एंड करप्शन बदवानी को कहा जाता है वैन एवर यू नो सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर लेड ऑन समबडी वन एवर दे आर गिवेन सम टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी वन दे आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट इट मीन्स दैट इज़ करप्शन दैट इज़ एक्ट ऑफ करप्शन तो जब भी किसी uh, किसी भी शख्स को कोई काम या कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वो उसके बरखिलाफ़ अगर जो है करे तो फिर जो है उसको करप्शन कहा जाता है तो रिमेंबर जो है द मोमेंट ही वॉज टॉकिंग और एड्रेसिंग टू द पीपल ऑफ द असेंबली इट वॉज द मोमेंट वैन पाकिस्तान वॉज नॉट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड सो यू नो दिस इज़ द मोमेंट वैन ही वॉज स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया बिकॉज अब तक वो इंडिया में ही रह रहे थे तो जो है कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है जो सबसे बड़ी जो लानत फिटकार और बदुुआ है जो बुरी सी चीज़ है वो ब्राइबरी और करप्शन है दैट रियली इज़ अ पॉइजन और ये बिल्कुल एक जो है जहर की मानंद है वी मस्ट पुट डाउन पुट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर किसी चीज़ को फेंक देना ओके वी मस्ट पुट डाउन विद एन आयरन हैंड आयरन हैंड कहा जाता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्ती से हार्शली ट्रीट करना जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम ना दिखाना तो जो है वो चाहते हैं बता रहे हैं अपने लोगों को कि जो है आपने ब्राइबरी पर और करप्शन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना तो इसलिए आपने बहुत सख्ती से अपने इस मुल्क को जो है जो जब चलाना है जब तो इन सब चीज़ों को निकाल कर फेंक देना है आई एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स एज सून एज़ इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो इस ये है कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो है आप तमाम मुनासिब जो है तदाबीर मुनासिब या फिर काफ़ी एडिकुट मीन्स काफ़ी यहाँ पर मुनासिब मेजर्स मीन्स तदाबीर मीन्स प्रिकॉशंस जो आप लेते हैं उनके बारे में कह रहे हैं तदाबीर एज सुन एज़ पॉसिबल कि ये जो असम्बली जो आप बन रही है मुझे उम्मीद है उससे कि ये तमाम जो है मुनासिब और जो है तमाम Uh, जो काफ़ी uh, जो एक्शंस होंगे इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ लेंगे और जो है इन सब चीज़ों को अपने मुल्क में uh, परवान चढ़ने बढ़ने या फिर प्रैक्टिस होने नहीं देंगे इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कायद अज़म टू से ब्लैक मार्केटिंग इज़ एन कर्स ब्लैक मार्केटिंग एक और uh, बुरी लानत है बदुआ है या फिर फिटकार है वेल आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीकुनटली कॉट एंड पनिश्ड खैर मैं जानता हूँ कि ब्लैक मार्केटर्स मीन्स काला बाजारी चोर बाजारी या फिर काला धंधा करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम अक्सर बेशतर जो हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उनको सज़ा भी मिलती है नाओ यू हैव टू टेक दिस मानस्टर मानस्टर किसी भी बहुत बड़े खौफनाक क्रिएटर uh, को कहा जाता है नाओ यू हैव टू टेकल टेकल कहा जाता है किसी चीज़ को पकड़ना सुलझाना हैंडल uh, करना ट्रीट करना कहने के अब आपको जो है इससे जो है इसको ट्रीट करना है इसका मुकाबला करना है इसको इस मसले को सुलझाना है जो कि एक मॉन्स्टर है विच टुडे इज़ अ क्लासल क्राइम जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है क्लासल मीन्स वैसे बहुत बड़े कद का राइट right? लेकिन यहाँ पर जो है क्लॉसल एक बहुत बड़े क्राइम के लिए यूज़ हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अगेंस्ट सोसाइटी माशरे के खिलाफ समाज के खिलाफ इन आर डिस्ट्रेस्ड कंडीशन डिस्ट्रेस्ड कंडीशन तकलीफ़ हालात ऑलरेडी जिस uh, तकलीफ़ हालात में हम लोग हैं इस तरह के हालात में जो है अगर इस तरह के क्लॉसल क्राइम्स भी होने लग गए तो हमारी हालत और ज़्यादा Uh, जो है तकलीफ तय हो जाएगी या फिर तकलीफ़ जार में बदल जाएगी आई थिंक दे ऑट टू बी वेरी सीवियरली पनिश्ड मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ सज़ा देनी चाहिए बिकॉज़ देडर माइंड द इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्योंकि जो है वो रुकावट पैदा करते हैं रोकते हैं इंटायर जो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड रेगुलेशन का फूड स्टाफ Uh, हमारी जो है खाने पीने की जो अशिया होती हैं अशियानोश है जिनको कहा जाता है उनके जो है तमाम जो सिस्टम इंटायर उसका कंट्रोल एंड रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है उसके जो है उसको ये रोकते हैं एंड असेंशियल कमोडिटीज़ फूड स्टफ और हमारी जो असेंशियल कमोडिटीज़ रिमेंबर कमोडिटीज़ ऐसी किसी भी चीज़ को कहा जाता है जो आप ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है या कोई और भी चीज़ जो कि आप लोगों के लिए बहुत असेंशियल होती है तो कह रहे हैं कि जो है इस तरह से जो है ये जाओ चोर बाजारी या पर काला धंधा करने वाले लोग जो हैं वो हमारे अशियाए ख़ुरदनोश या फिर हमारी ज़रूरत की जो अशिया होती हैं उनकी जो एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने सेट किया होता है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं उसको ये रोकते हैं जिसकी वजह से खलल पैदा होता है एंड कॉज होल सेल स्टारवेशन जिसकी वजह से जो है मजमू तौर पर स्टारवेशन uh, फाका हो जाता है या फिर गज़ा की किल्लत हो जाती है रिम्बर मैं आपको uh, uh, जो है थोड़ा समझाना चाहूँगी कि जो है ब्लैक मार्केटिंग एक्चुअली किसको कहा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कुछ इस तरह का जो है हमारी हर एक कमोडिटी हमारी एसेंशियल जो यूज़ की रिक्वायरमेंट हमारी चाहे वो फूड जो है स्टाफ हो या जहाँ पर रॉ मटेरियल हो आ, उसकी रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चीज़ की कीमत जो है वो तय कर दी जाती है जिस तरह से आपने अक्सर वेशतर अपने आसपास ये देखा होगा कि कभी गंदम की किल्लत हो जाती है कभी चावल की किल्लत हो जाती है कभी चीनी की क़िल्लत हो जाती है इससे ये होता है कि ब्लैक मार्किटर्स क्या करते हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों का अग प्रोपोर्शन जो है वो छुपा कर रख देते हैं और जो है ताकि जो है जब इनके प्राइस जो है इन्फ्लेशन की महंगाई की वजह से जो है जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तब वो जो है इस इन सब चीज़ों को महँगे दामों में बेचें तो इस तरह के जो है जो जो सिस्टम को जो जो गवर्नमेंट ने सेट किया होता है जो सेंक्शनड होता है उसमें रुकावट पैदा करके जो है तमाम लोगों के लिए जो है दुश्वारी का सबब बनते हैं ये लोग और जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो तमाम जो है फूड रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है कंट्रोल का जो सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और इस तरह से जो है मजमू तौर पर फिर जो है वो ग़ा की किल्लत या फिर उनशिया की किल्लत जो है वो हम लोगों को दरपेश होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुशवारियाँ हो जाती हैं इसको ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है होप यू कैन यू नो अंडरस्टैंड इट वेल वेरी वेरी वेल नाउ राइट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कायद अजम से द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मे इस लेगेसी विच हैज़ बिन पास्ड ऑन टू अर्स लेगेसी कहा जाता है वरसा या फिर मीरास वो कहना चाहते हैं कि दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो है जो हमें मीरास में या फिर जो विरासत में हमें इंडिया से अलग होने पर जो मिला है उनमें से जो है कह रहे हैं पास्ड ऑन टू तो अर्स जो हम तक मैसर हुई हैं जो हमें मिली हैं अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंगस गुड एंड बैड जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो विरासत में मिली हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं वो भी विरासत में मिली हैंज़ अराइव दिस ग्रेट इवल जिन में से एक बुराई भी हमारे पास जो है मुंतकिल हो गई है वो है द इल ऑफ नेपोटिज़म एंड जॉबरी अब इन दोनों टर्म्स को समझने की ज़रूरत है नेपोटिज़म कहा जाता है यू आर गिविंग बेनिफिट्स टू यूर फेवरेट पीपल बंदा परवरी या फिर बंदा नवाजी अगर इफ़ यू हैव कॉट यू नो समीशन दैन यू विल भी यू नो गिविंग मैगजिम बेनिफिट्स टू योर ऑन पीपल तो जो है आप अपनी जो है आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आती है उस जिम्मेदारी को पीछे करके जो है आप सिर्फ अपने लोगों को नवाजने लग जाते हैं इस तरह के एक्ट को नेपोटिज्म कहा जाता है दैट इज़ एक्ट ऑफ फेवरटिज़म फेवरटिज़म गिविंग बेनिफिट्स टू ओन पीपल सिमिलरली जॉबरी भी इसी तरह का जो है एक वर्ड है जिसकी मायना भी जरा मिलती जुलती ही है जिसके uh, तहत जो है बेईमानी दलाली बदयानती जो है या फिर जो है अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो जो है इट्स द प्रैक्टिस ऑफ़ यूजिंग अ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेम्स कि आप किसी जो है अहदे पर किसी uh, रुतबे पर किसी ख़ास अहम पोजीशन पर आप फाइज हैं लेकिन जो है आप उसका फ़ायदा जो है वो आप फेयरली नहीं बल्कि अनफेयरली कुछ अपने लोगों को देते हैं तो इस तरह के एक्ट को जॉबरी कहा जाता है मींस जो है इफ़ यू आर इन सम पोजीशन देन यू आर गोइंग टू गिव जॉब्स टू योर ऑन पीपल तो ये नेपटिज़म भी हो जाता है और जॉबरी भी हो जाता है तो यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स इज़ कॉल्ड जॉबरी तो जो विरासत में जो मीरास में पाकिस्तान को इंडिया से जो मिली हैं चीज़ें वो कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं और उन सब में जो है ये एक बुराई जो है इविल जो है किसी बुराई को कहा जाता है ये एक बुराई जो है वो भी मुंतकिल हो गई है जो कि नेपोटिज्म या फिर जॉबरी है दिस इल मस्ट बी क्रश्ड रेलेंटलेसली क्रश किसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना कुचल देना है तो जो है रेलेंटलेसली बड़ी बेरहमी बड़ी बेदर्दी के साथ इसका मतलब है कि जो है इस बुराई को ख़त्म करते हुए हमें बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए कहते हैं आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर मैं ये वजाहत के साथ बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दूँ आई शल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी नेपट्टज़म और एनी इंफ्लुंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉड टू अपॉन मी कि मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं किसी तरह की भी जॉबरी नेपोटिज़म या किसी तरह का भी असर वसूख जो है वो चाहे जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो जो है वो मुझ पर लाया जाए तो मैं वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा इन दिस पैराग्राफ नाउ क़ायदे अजम सेस नाओ इफ़ वी वॉन्ट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस

येस yes. और खुशहाल जो है हुकूमत अगर बनाए इस रियासत को वी शुड होली हमें मजमू तौर पर एंड सोली या इनफरादी तौर पर कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा तोज्जा देनी पड़ेगी ऑन द वेल बींग ऑफ द पीपल लोगों की भलाई पर हम लोगों को तोजह देनी पड़ेगी एंड इस्पेली ऑफ द और ख़ास तौर पर जो है हमें आम आवाम की भलाई के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा एंड द पुअर और उन लोगों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी जो जो ग़रीब हैं इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन अगर आप एक दूसरे के साथ तावन के साथ काम करते हैं फॉर गेटिंग द पास्ट आप पास्ट को भुला कर याद रखिए कि जो है यहाँ पर जो है कुछ बात जो है वो कहते हैं मैं आगे की लाइन पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ बैरिंग द हैचेट ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है आप यू ब्रिंग एंड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एनिमिटी आप अपनी पास्ट की जो पुरानी जो दुश्मनी है उसको भुला कर जो है अगर आप जो है फॉरगेटिंग द पास्ट इसलिए वो कहते हैं फॉरगेटिंग द पास्ट अगर आपने uh, माजी को भुला कर आप जो है अपने तमाम अख्तलाफा जो है उनको ख़त्म करके यू आर यू आर बाउंड टू सक्सीड आप जब मिलकर काम करते हैं एक दूसरे के साथ तावन के साथ काम करते हैं आप जो है मजमू तौर पर इनफरादी तौर पर जो है आम आवाम के लिए ग़रीबों के लिए जो है उनके साथ भलाई की नीयत के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तब भी पाकिस्तान की जो रियासत है वो एक अजीम रियासत एक खुशहाल रियासत और एक खुशगवार रियासत जो है बन पाएगी जिसके लिए जो है आपको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और अपनी तमाम आ, माजी के अख्तलाफा तमाम दुश्मनियाँ भुला कर जो है अगर आप आगे बढ़ें और साथ में काम करें यहाँ पर कायद अज़म ये बात द दैजट या फिर फो गेटिंग द पास्ट क्यों कहना चाह रहे हैं रिमेंबर कि पाकिस्तान जब नहीं बना था सब कॉन्टीनेंट में हिंदू और मुस्लिम के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे जिन कॉन्फ्लिक्स की बेसिस पर जो है आपस में खून रेजी भी हो जाती थी जिनकी वजह से जो है कत्लेम भी होता था जो है आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे जिसकी वजह से ही नाचाकी का माहौल बना और जो है ये सोच लिया गया बल्कि ये समझ लिया गया कि मुसलमानों के लिए या फिर हिंदुओं के लिए अगर एक पीसफुल रहने की जगह बननी चाहिए तो जो है तभी जो है ये दोनों जो हैं रिलीजस ये जो अलग दो रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ तभी खुश रह पाएंगे लेकिन जो है अब क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो तमाम लोग पाकिस्तान जो क्योंकि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ में हिंदू अब शामिल हैं लेकिन अब वो माइनॉरिटीज़ हैं और जो है इंडिया में भी हिंदुस्तान में भी अब भी बहुत से मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं तो ये फ्री हैंड दिया गया था लोगों को चूज़ करने के लिए कि टू विच स्टेट यू वॉन्ट टू लिव वेदर यू वॉन्ट टू गो टू द न्यू स्टेट ऑफ़ द मुस्लिम मुस्लिम्स और यू वॉन्ट टू बी देयर एट योर होम आप अपनी पुरानी ही रियासत में रहना चाहेंगे तो फिर ये फ्री हैंड दिया गया था हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी कि आप जिस खत्े में रहना चाहते हैं आया आप अपने घर छोड़कर एक नई रियासत में जाना चाहते हैं अपनी एक पुरसकून जिंदगी के लिए या फिर जो है आप अपने ही घर में इस ही मुल्क में रहना चाहते हैं यही फ्री हैंड फ्री ऑप्शन फ्री जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो थी ये हिंदुओं को भी दी गई थी तो बहरहाल जो है जब वो साथ में आपस में रहते थे आपस में उनके इख्तलाफ भी होते थे झगड़े भी होते कत्ल वारत भी होती थी इसलिए जो है यहाँ पर जो है जब ये रियासत बनी तो जो है यहाँ पर कायद अज़म सबको याद दिलाते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है खुशहाल रियासत बने एक खुशगवार रियासत बने यहाँ पर जो है आपको फिर हर एक इंसान को जो है पुरानी दुश्मनियाँ पुराने फ़र्क पुराने तजाद पुराने झगड़े और तमाम पुरानी वजूहत जिनके बायस जो है ज, जंगे झगड़े या फिर खून रेजियाँ हुआ करती थीं उन तमाम चीज़ों को बुला एक दूसरे के साथ तावन के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा का। तभी ये रियासत एक बेहतरीन और एक जो है खुशगवार रियासत बनेगी और तब इस रियासत का मुकद्दर कामयाबी होगा If you change your past and work together in a spirit दैट every one ऑफ़ यू नो मैटर टू what community, कलर कास्ट or creed he or she may belong, is first, second and last a citizen of this state, with equal rights. प्रिवलेज एंड ऑब्लिगेशंस कहते हैं कि अगर आप जो है पास्ट को चेंज करते हैं, इफ़ यू चेंज योर योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर आप अपने पुराने जो है माजी को भुला कर जो इसको चेंज कर दें तब्दील कर दें और अगर जो है मिलजुल कर एक जोश और जज्बे के साथ अगर आप काम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर कि आप किस कम्यूनिटी से कम्यूनिटी का मतलब होता है किस तरह का लोगों का ग्रुप जो है वो जो एक जगह पर रहता है जो अलग अलग होते हैं लेकिन बनाती एक कम्युनिटी है मिलजुल कर लेकिन वो जो है लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि ख्वाह अलग चीज़ों से अलग जो है नस्लों से अलग जो है ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन जो है वो रहते हैं इस तरह की जो है ग्रुप ऑफ लोगों को जो है कहा जाता है कि जो है वो कम्यूनिटी है तो कहते हैं कि जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर कि जो आपके है आप किस कम्यूनिटी से हैं आपका कलर क्या है वेदर यू आर वाइट और ब्लैक और आप किस कास्ट से आपका ताल्लुक जात से है किस मसलक से है क्रीड मीनस अकीदा या फिर मसलक कह रहे हैं कि जो है वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो इसका जो है वो पहला दूसरा या लास्ट हर कोई इस रियासत का एक शहरी है जिसके ऊपर विद इक्वल राइट्स जिसकी जिनके हकूक तमाम बराबर हैं जिनके प्रवलेज़ज़ जिनको एक ही तरह के फ़ायदे और एक ही तरह की रियायत मिलेगी एंड ऑब्लिगेशंस जिनके ऊपर एक ही तरह की यकसा किस्म की जिम्मेदारियाँ भी आती हैं वी शुड बिगिन टू वर्क इन स्पिरिट इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगार्टीज़ ऑफ़ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ तो इसलिए हम लोग अगर इस जज्बे के साथ इस जोश के साथ इस सोच के साथ अगर जो हम लोग तम तमाम लोग मिलकर जो है अगर काम करेंगे तो इस तरह की ये जो जाविये ये जो फ़र्क हैं ये जो इख्तलाफात जो बनाए गए हैं जो एंगुलरिटीज जो हैं वो एस्पेक्ट्स या फिर ज़ाविए को कहा जाता है ये तमाम जाविए या फिर एंगुलरिटीज जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वो ख़त्म हो जाएंगी और आपस में ये लोग मिलकर जो है कम्यूनिटी के तौर पर रहेंगे अब हमारे बानी पाकिस्तान इस पैराग्राफ में कहते हैं नो पावर कैन होल्ड एनदर नेशन इन सब्जेक्शन कोई भी आ, ताकत किसी और मुल्क को किसी और कौम को अपनी ग़ुलामी में नहीं रख सकते दियरफोर अब मैं इसको थोड़ा सा वजाहत करनी चाहूँगी सब्जेक्शन जो है आ, गुलामी कहा जाता है जिस तरह से आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स ने वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स डेढ़ सौ सालों तक हुकूमत की uh, उन्होंने जो है ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से एक ट्रेड स्टार्ट किया था सिक्सटीन सेंचुरी से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है हमारे इस सब कॉन्टीनेंट पर कब्ज़ा कर लिया और फिर uh, बिलाकर जो है वो फिर हमारे uh, हुक्मरान बनकर हम पर मुसलत हो गए क्योंकि अब ये एक मिसाल था कि जो है डेढ़ सौ साल की हुकूमत के बाद भी जो है ग़ुलामी के अंदर होने के बावजूद भी मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर जो है अपने आप को उन हुक्मरानों से जो है आज़ादी दिलवाई और ख़ुद आज़ाद हुए तो इससे तो ये वाजह था कि दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक कौम जो है वो किसी और के ऊपर जो है मुसलत हो जाए और उनके ऊपर हमेशा के लिए जो है गालिब होकर उन पर उनके ऊपर हुकूमत करती रहे तो कहते हैं कि नो पावर कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन कोई भी पावर जो है दुनिया में uh, जो है ऐसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए जो है किसी और कौम को अपना ग़ुलाम बनाए रखे या फिर ग़ुलामी में ही uh, उसको जो है uh, उसको गुलामी uh, का ही शिकार बनाए रखे देयर फॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्राम दिस इसलिए अब ये वही बात का जो है ज़िक्र uh, करते हैं इस बात के uh, इसका इशारा उसी बात से है कि जो है अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सब कॉन्टीनेंट को जो है खुलासी मिल गई जो है यहाँ पर आज़ादी मिल गई जो है उस हुकूमत से जो कि उनके ऊपर मुसलत थी इससे कह रहे हैं कि देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस हमें इसे सबक लेना चाहिए कि जो है कोई भी कॉम किसी और कॉम को हमेशा के लिए अपने ग़ुलाम नहीं बना सकती यू आर फ़्री यू आर फ्री टू गो टू योर टैम्पल्स यू आर फ्री टू गो टू यू एनी अदर प्लेस ऑफ़ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो इसलिए आप आज़ाद हैं आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में इबादत करने के लिए आप आज़ाद हैं अपने मस्जिदों में इबादत करने के लिए या फिर आप किसी भी इबादत गाह में इबादत करने के लिए इस पाकिस्तान की इस रियासत में आप बिल्कुल आज़ाद हैं यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड आपका ताल्लुक ख्वाह किसी भी रिलीजन से हो मज़हब से हो किसी भी ज़ात से हो किसी भी मसलक से हो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट रियासत का ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आपका अकीद क्या है आप किस जबान से किस मसलक से किसदे से ताल्लुक़ रखते हैं आपकी ज़ात क्या है बिल्कुल जो है इससे जो है रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है वी आर स्टार्टिंग इन द डेज़ वन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन तो हम आगाज़ करने लगे हैं इस तरह के दौर का जब जहाँ पर जो है कोई डिस्क्रमिनीशन नहीं होगी जहाँ पर कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा नो no डिस्टिंगशन फ़र्क नहीं किया जाएगा बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से फ़र्क नहीं किया जाएगा नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड एंड अनदर ना ही किसी जात से ना ही किसी मसलक से ना ही किसी अकीदे से फ़र्क किया जाएगा कि फ़लाँ अकीदा जो है बेहतर है और फ़लाँ अकीदा बढ़तर है वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल अब हम इस बुनियादी फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल उसूल हम एक इस बुनियादी उसूल को जो है राइज करने वाले हैं शुरू करने वाले हैं दैट वी आर ऑल सिटीज़न्स एंड इक्वल सिटीज़न्स ऑफ वन स्टेट कि हम तमाम शहरी हैं और बराबर शहरी हैं इस रियासत के इन द लास्ट पैराग्राफ ही सेज लेडीज़ एंड जेंटलमैन I आई डो नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू अगेन फॉर दिनर यू हैव डन टू मे वहाँ पर असम्बली uh, में मौजूद वहाँ पर ख़वाी और हजरात से मुखातिब होकर कायद अजम लास्टली अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आप सब लोगों की uh, बहुत ज़्यादा जो है मेहरबानी और बहुत ज़्यादा मशगूर हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि जो है मतलब उनके कहने का मतलब यही था कि जो है आज के सदारती जो है खिताब को जो है उन्होंने ही एड्रेस किया था इसलिए जो है वो तमाम लोगों से जो है मशहूर हैं कि जो है वो उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी और उनको जो है बहुत ध्यान से सुनते रहे और उनकी बातें समझ भी रहे थे आई शल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले कह रहे हैं कि मेरी रहनुमाई जो इस हुकूमत में जो है जो करेंगे वो होंगे प्रिंसिपल कौन से असूल होंगे जस्टिस इंसाफ और फेयर प्ले सबकी भलाई हर किसी के साथ यकसा बराबरी का सलूक विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज कि मैं किसी तरह की भी सियासी कोई ज़बान नहीं यूज़ करूँगा जिस तरह से सियासत सियासत में अक्सर फेयर और फाउल को मिला दिया जाता है तो कहते हैं इस तरह की कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा और हर किसी प्रजडस प्रजडस मीनस तसब बदगुमानी या फिर बदजनी हर किस्म की जो है बदगुमानी से या फिर जो है हर किस्म की बदगुमानी से जो है बाला तर होकर और इल विल बुरी ख्वाहिश या फिर जो है दुश्मनी या फिर अदावत के इन सब चीज़ों से बाला तर होकर जो है मैं इस मुल्क को जो है संभालूंगा या चलाऊंगा या इसकी हुकूमत जो है करूंगा और ये चीज़ें जो है मेरी हेल्प करेंगी मेरी रहनुमाई करेंगी फिर से वो इस बात को एम्फोसिस देते हुए कहते हैं माय गाइडिंग प्रिंसिपल्स विल बी जस्टिस एंड कम्प्लीट इम्पारशलिटी फिर दोबारा से बताते हैं कि जो मेरी रहनुमाई करने वाले जो असूल होंगे वो यही होंगे कि तमाम तरह का जो है इंसाफ बरता जाएगा और तमाम तौर पर जो है इम्पारशलिटी दिखाई जाएगी इम्पारशियलिटी जो है जो है अपोज़िट है एंटोनियम है पारशियलिटी का पारशियलिटी का मतलब होता है जानबदारी कि आप किसी ख़ास तरफ झुके हुए हो आपका जो है आपके फेवर्स जो हैं आपके लाइक्स जो है हर किसी की मतलब आपको हर किसी को पता चल जाए कि आप फला तरफ आ, आप जो है ज़्यादा जो है टेल्ट हैं आपका ज़्यादा ध्यान इस तरफ है मतलब किसी भी मखसूस किस्म के जो है लोगों की तरफ आप, आप बहुत ज़्यादा जो है नरम है या फिर उनकी ज़्यादा हेल्प करते हैं तो इस तरह से इस तरह का बंदा जो है इस तरह का कोई भी शख्स जो होगा वो आ, पार्शियल बंदा होगा लेकिन ये कहते हैं कि मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं इम होंगे कि मैं किसी भी किस्म की जो है जानबदारी नहीं दिखाऊंगा मतलब मुकम्मल तौर पर जो है इम होकर सबके लिए बराबरी और यकसा इंसाफ के साथ जो है हुकूमत करूंगा एंड आई एम श्योर और मुझे यकीन है दैट विद सपोर्ट एंड एंड कोऑपरेशन मुझे यकीन है कि आपके तावन के साथ आपकी मदद के साथ आई कैन लुक फॉरवर्ड लुक फॉरवर्ड मीन्स मुंतज़र रहना टू हैव गुड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं मुझे यकीन है कि आप लोगों की मदद के साथ आपकी कोऑपरेशन के साथ पाकिस्तान जो है एक दिन एक बहुत बड़ी अजीम नेशंस बनकर जो है जैसे पाकिस्त दुनिया में जो अजीम नेशंस हैं उनमें एक बहुत एक अजीम कॉम बनकर उभरेगा दैट वॉज़ ऑल अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट होपफुली यू हैव गॉट ऑल वट आई वॉन्टिड टू टेल यू फ्राम दिस एक्सप्लेनेशन तो जो है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज़ भी मैं सॉल्व करके इनशाला अपलोड कर दूँगी टिल देन अल्लाह हाफिज़ I take your leave now to catch you later in the videos to come. Till then, take care of yourself. Goodbye. But don't forget to subscribe my channel, like it, and share it with your friends. Take care again. Allah Hafiz.